वीडियो डाल इंडिया आकाशवाणी आपकी वाणी आकाशवाणी इंडिया 4-1 से जीत रहा है ये सीरीज और आकाशवाणी के 4 एपिसोड सारे के सारे देख डालेंगे सुबह सुबह उठ के। चलो सब सारे के सारे जियो सिनेमा पे देखिएगा हैशटैग आकाशवाणी का अगला एपिसोड सर आपके आपके चैनल पे देखेंगे हम तो। हाँ तो वही जियो सिनेमा अच्छा आकाशवाणी देखेंगे सुबह सर कितने एपिसोड आ रहे हैं 8 बजे आएगा सिर्फ एक एपिसोड आएगा उसमें बहुत अच्छी कहानी बताएंगे और सर ये वाली क्लिप स्पोर्ट्स टॉक क्रिकेट पे भी आएगी मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है 1 लाख सब्सक्राइबर ठीक है टैग कर देना डन ओके सर। आप देख रहे हैं आकाश सर कितने अच्छे से सभी फैन से मिलते हुए और सभी के साथ अच्छे से एंजॉय करते हुए सर सर आपको वर्ल्ड कप में इतना मिस किया ना जिसका कोई हिसाब नहीं आपकी कमेंट्री को बहुत मिस किया सर आंद्रे रसेल वाला कमेंट्री का बहुत बड़ा गलत है क्या करें बता दे सर इसके साथ एक चीज बोली ये बहुत देर से वेट कर रहा है आंद्रे अंदर गेंद बाहर अरे थैंक यू सर लेकिन सी सर 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 रिंकू सिंह पर भी तो नया बनाया अभी आपने थैंक यू सर अभी अभी जो जियो सिनेमा पे चल रहा है सर थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच लव यू सर लव यू जय हिंद लव यू सर आकाशवाणी को भी और आकाश सर को भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं आकाश चोपड़ा सर को अपना गुरु मानता हूं यूट्यूब चैनल मैंने इन्हीं के चैनल को देख देख के बनाया है इन्हीं से मोटिवेट होके बनाया है क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि सर एक रिटायर्ड क्रिकेटर है पहले टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं और अभी कमेंट्री कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल है काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के लिए भी काम करते हैं और काफ़ी लोगों के साथ यूट्यूबर्स के साथ कोलैब्स वीडियो बनाते हैं और अभी आप देखिए करीब 11:30 बजे यहाँ पे मुकाबला समाप्त हुआ और सर यहाँ पे शाम को 5 बजे से आए हुए हैं 5 बजे से आने के बाद अपना पहले प्री शो हुआ उसके बाद में कॉमेंट्री की पूरा मैच कॉमेंट्री की और अब उस मैच ख़त्म होने के बाद अपने जियो सिनेमा के लिए देखो यहाँ पे शूट चल रहा है व्लॉगिंग कर रहे हैं और अपने चैनल के लिए भी शूट कर रहे हैं और करीब अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और आकाश चोपड़ा सर अभी भी काम ही कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रगल करते हैं हम सभी के लिए अच्छी न्यूज़ देने के लिए और अपने चैनल से हमें एंटरटेन करने के लिए। तो इसी तरह से मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूं तो मैंने सोचा कि काम तो हमेशा चलता रहता है लेकिन काम के साथ साथ हम और क्या इस लाइफ में कर सकते हैं वो सब चीज़ें देखते हुए मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का ऑलरेडी फ़ैन हूं बहुत जगह मुकाबले देखने जाता था और आपको बता दूं ये सब आसान नहीं होता एक इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी वर्किंग के बाद में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है मेरे खुद के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है मेरी लाइफ में जब ये मैंने 2 महीने हो गए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा पहले से काम बढ़ गया है मुझे डे नाइट वर्किंग करनी पड़ रही है दिन रात काम करना पड़ रहा है और आकाश सर से मेरी बात हुई तो सर बता रहे थे कि रात को 2:30-3 तक भी बच जाते हैं वो कभी भी अपना नेक्स्ट डे जो उनका सुबह 8 बजे आकाशवाणी आती है उसके लिए हमेशा शूट करके सोते हैं आईपीएल के मुकाबले तो रात को 12:30-1 बजे तक भी ख़त्म होते हैं काफ़ी टाइम लेकिन उसके बाद में मुकाबला ख़त्म होने के बाद 1-1.5 घंटे बाद वो अपने रूम में जाएंगे फिर हमारे लिए शूट करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्टी है एक इंसान की लाइफ में और आकाश चोपड़ा सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जब ये इंसान कर सकते हैं जो कि क्रिकेट खेले टीम इंडिया के लिए इतना बड़ा नाम है इतने बड़े सेलेब हैं उसके बाद में भी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हम तो एक कॉमन इंसान है चलो बिजनेस कर रहे हैं हम कोई बात नहीं लेकिन उससे अलग हम अपनी लाइफ में जितना वर्किंग कर सकते हैं उतना कम है। तो दोस्तों आकाश चोपड़ा सर से मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में और सर को मैं अपना आइडियल मानता हूं क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जो मेरी सक्सेस है वो तो ठीक है मेरी मेहनत है लेकिन ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरे मन में विचार आया या मुझे मोटिवेशन मिली तो आकाश चोपड़ा सर ही हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और आप सभी के प्यार के बिना ये सब अधूरा था आप सब देखते हैं आप सब्सक्राइबर हैं मेरे आपने सब्सक्राइब किया है तभी मेरे पास इतनी मोटिवेशनल है कि मेरे 2 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और मैं आप सभी के लिए और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 1 लाख की फैमिली को 1 मिलियन पर आप लोग पहुँचाएं। आकाश सर इतनी देर में तो आपके 4 एपिसोड कर दिए होंगे आपने मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी आ जाओ गुरुजी आ जाओ कितना वेट कराओगे आ जाओ सब चले गए पूरा स्टेडियम खाली है और आकाश चोपड़ा सर लगे हुए हैं शूट पे शूट शूट पे शूट मैं खुद भी YouTube पर वीडियोस बनाता हूं तो भाई मुझे पता है बोलते बोलते ना हमारा माइंड खुद भूल जाता है कि हमें क्या बोलना है हम किस टॉपिक पे बोल रहे हैं कोई स्क्रिप्ट नहीं होती कोई पढ़ के नहीं बोलना सब कुछ अपने मन से बोलना होता है कितनी डिफ़िकल्टी है रात का 1 बज गया है 1
और अभी तो सर लगे हुए हैं, और अभी यहाँ से जाने के बाद एडिटिंग होगी। और आपको हम बता दें, जो ये वीडियोस होती हैं, जो हमारी अपनी पर्सनल वीडियोस होती हैं, वो वीडियोस हम दूसरे से एडिटिंग नहीं करा पाते, वो हमें खुद ही एडिट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें लोगों को क्या दिखाना है, हमें उसमें क्या रखना है, क्या हमें कट करना है, क्या बैकग्राउंड म्यूज़िक दबाना है, कहाँ से हमें वॉइस बढ़ानी है, कहाँ से घटानी है, वो हमें पता है कि हम अपनी वीडियो में अपने व्यूअर्स को क्या दिखाना चाहते हैं। तो एडिटिंग भी हमें ही करनी पड़ती है, वो कितना डिफ़िकल्ट वर्क है। मैं खुद अभी यहाँ से जाने के बाद, मैं जितने भी मैचेस के लिए गया हूँ, मैं 1 बजे के आसपास रूम पे पहुँचने के बाद, फिर रात को 3 बजे तक कम से कम 2 घंटे मुझे खुद एडिटिंग में लगते हैं। रात को 3-3.30 बजे तक एडिटिंग करते हैं, 4 बजे सोते हैं। मैं कभी लाइफ में 4 बजे नहीं सोया, मैं हमेशा 10-11 बजे सोने वाला इंसान हूँ। लेकिन काम कर रहे हैं, आकाश सर को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, तो हमने भी ये चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं कि कोई बात नहीं, जब आकाश चोपड़ा सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को, पूरी हाथों की मूवमेंट, पूरे इशारे, पूरे आइज, पूरे अट्रैक्शन, पूरा फेस इंप्रेशन, हर चीज़ दिखा के शूट करते हुए, पहले शूट करेंगे, फिर उसको देखेंगे क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है। और आपको मैं बता दूं, जो अभी आकाश चोपड़ा सर शूट कर रहे हैं, ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल, ये वीडियो 5 मिनट की वीडियो है, और सर 1 घंटे से शूट कर रहे हैं, 1 घंटे से। तो सर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि दोस्तों कितने रीटेक लेने पड़ते हैं, कितनी मेहनत का काम है। तो इसलिए प्लीज़ जब आपके पास वीडियो आती है तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार के बिना हमारी सारी मेहनत बेकार है, आप सभी के लिए ये मेहनत हो रही है। तो जो भी वीडियो आपको देखने को मिलती है उसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बिना स्किप करे पूरा देखा कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आकाश सर, इतनी देर में तो आपके 4 एपिसोड कर दिए होंगे आपने, मुझे पूरा विश्वास है। आपके हाथ की सेल्फी के बिना मैं जाने वाला ही नहीं हूँ। तो हम आए हुए हैं गुवाहाटी, और ये स्पोर्ट्स क्रिकेट के सभी फैंस हैं, ये काफी एंजॉय किया इन्होंने, और मैच टीम इंडिया हार गई, कोई इशू नहीं है। हार जीत तो होती रहती है, मैच है, हारेंगे कोई जीतेंगे, बट वी लव इंडिया। गुवाहाटी वालों को मजा आया ना? गुवाहाटी वालों को बहुत मजा आया, हम लोग एंजॉय करने आते हैं, बहुत पूरा स्काईबोर्ड ने तो पूरा दिल जीत लिया, दिल जीत लिया ना, खुश है गुवाहाटी, पूरा खुश है, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा। चलो ओके, एंजॉय करो और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहो, और कल वीडियो देख लेना अपनी आ जाएगी सभी की। ओके, क्रिकेट।